हेलो एवरीवन, आ गए। आर यू ऑल रेडी? जस्ट अ सेकेंड। आ जाइए आ जाइए। इंग्लिश का लास्ट चैप्टर, फाइनली चैप्टर नंबर 8, वर्जन टुवर्ड्स एक्सीलेंस, रिटन बाय अच्युत गोडबोले, अ फेमस राइटर ऑफ महाराष्ट्र, एन आईआईटीशियन, अ ग्रेट एंटरप्रेन्योर की ऑटोबायोग्राफी आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है? सो आर यू ऑलरेडी? जल्दी जल्दी बताओ, मेरी आवाज सही है क्या? एक बार कमेंट में बोल दो, वॉइस क्लियर है? इज माई वॉइस वॉइस क्लियर? हो ओके। हर्षदा, सानिया, भूमि, अंकुश, ओ भाई सलमान, क्या बात है। चलो ठीक है, क्लियर है सब कुछ, तो फिर क्या चीज की देरी है, क्या चीज का इंतजार है, शुरू क्यों नहीं हो रहा है? चलो भाई स्टार्ट किया जाए। देखो ये चैप्टर बहुत ही मोटिवेशनल, इंस्पायरिंग और बहुत ही अच्छा चैप्टर है, जो कि आपको पर्सनल लाइफ में भी मोटिवेट करेगा। जो भी बच्चे हैं जो मराठी मीडियम से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट किए हैं या कॉलेज कंप्लीट किए हैं, 10th तक, 12th तक उन्होंने अपने लाइफ में मराठी के अलावा कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं पढ़े अच्छे से, तो ये चैप्टर उन लोगों के लिए बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है। ठीक है, ये चैप्टर में क्या है, क्या स्टोरी है, क्या थीम है, मैं सब कुछ आपको बताऊंगी। ठीक है, चलिए शुरू किया जाए। वर्जिंग टुवर्ड्स एक्सीलेंस, लास्ट चैप्टर फाइनली हमारे इंग्लिश सिलेबस का। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, वर्जिंग का मतलब क्या होता है? लॉन्ग जर्नी, लॉन्ग जर्नी। और एक्सीलेंस मतलब क्या? सक्सेस। तो ये चैप्टर का मतलब क्या है? सक्सेस की जो लॉन्ग स्टोरी है, सफलता का जो लंबा रास्ता रहा, सफर रहा, वो किसका भाई, किसकी सफलता का रास्ता हम देखने वाले, किसके सफलता का सफर हम देखने वाले हैं, वो ये इंसान है। इनका नाम क्या है? अच्युत गोडबोले। ये एक ऑटोबायोग्राफी है, मतलब कि हम जो भी अभी यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ये सारी के सारी चीज इन्होंने खुद ही अपने बारे में लिखे हैं, खुद ही अपनी लाइफ के बारे में लिखे हैं। ठीक है, समझ में आया? अब याद रखो, ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे, मतलब है अभी भी, जन्म महाराष्ट्र में, और साथ ही साथ इन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल करके, क्योंकि ये भी एक ऐसी स्कूल से, ऐसी कॉलेज से पढ़ाई करके निकले थे जहां पे सिर्फ और सिर्फ मराठी, हर सब्जेक्ट इनके मराठी में थे। ठीक है, तो इनको भी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, क्या चीज को लेकर? इंग्लिश को लेकर। ठीक है, ये कहीं भी जाते थे तो इंग्लिश में बात करनी पड़ती थी आगे डिग्री लेवल पर, तो ये इनका कॉन्फिडेंस बहुत लो हो गया था। तो ये सारी चीजों को इन्होंने कैसे टैकल करे और कैसे अपनी वीकनेस को अपना स्ट्रेंथ बनाकर सक्सेस के रास्ते में चले, ये सब अपन देखेंगे। इनटू द वाइल्ड ये है ना, कल अपना इनटू द वाइल्ड ही तो हुआ था जी। चलिए तो इधर पे आ जाओ, स्टार्ट इनकी जर्नी कैसे हुई थी। ये एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए थे। ठीक है, स्टार्ट मिडिल क्लास, लेकिन आज बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और बहुत ही ज्यादा जाने पहचाने राइटर है। इनका अगर कुछ हम क्वालिफिकेशन देखें, करियर एक्सपेक्ट से देखें, तो इन्होंने अपना केमिकल इंजीनियरिंग आईआईटी मुंबई से किए थे 1972 में। सोचो, मतलब आईआईटी में एडमिशन लेना आप सबको पता है बहुत मुश्किल है, और एक मराठी मीडियम का बच्चा, सोचो इंग्लिश मीडियम के एंट्रेंस दे के पार कर रहा है, क्या बात है ना। और एक कंपनी है पटनी कंप्यूटर सिस्टम नाम की, उसमें ये सीईओ रह चुके हैं,
और आज इन्होंने मतलब मेजॉरिटी ऑफ द टाइम सब राइटिंग में लगाए हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर अपने को सिखाएगा, ये चैप्टर जो है ये अपने को क्या सिखाएगा जी, ये चैप्टर अपने को ये सिखाएगा कि कैसे अपने को सक्सेस का रास्ता ढूंढ सर्च करना होता है, सर्च फॉर एक्सीलेंस, और सक्सेस पाने के लिए अपने को उसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट इनपुट्स लगते हैं, और वो सारे सफलता को पाने के लिए अपने को क्या क्या करना पड़ता है। बैठे बैठे किसी को सफलता नहीं मिलती, बैठे बैठे किसी को सफलता नहीं मिलती, कुछ ना कुछ तो भाई मेहनत करनी पड़ती है। तो इन्होंने क्या करे, ये अपनी लाइफ बताएगी कि मैंने ये किया तो मैं आज इतना सफल इंसान बन गया हूँ, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको इस चैप्टर का थीम क्या मैंने बताई, इस चैप्टर में क्या चीज की स्टोरी, किसकी स्टोरी, अच्युत गोडबोले की स्टोरी। कौन सी स्टोरी, एक नॉर्मल इंसान, एक मिडल मैन इंसान का सक्सेस का रास्ता क्या रहा, क्या रहा, और वो आज सक्सेसफुल कैसे बने, ठीक है। चलो जी स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर को पढ़ना, ठीक है, देखते हैं। तो देखो चैप्टर की शुरुआत हुई है ये बोलते हुए कि आई हैड अ वेरी सिंपल अपब्रिंगिंग, मतलब मेरा जो पालन पोषण हुआ है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल वे में हुआ है, यानी मिडिल क्लास फैमिली में। वी वेर अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली, ठीक है। लोअर मतलब कि एकदम भी वैसे मिडिल नहीं कि खाना पीना रहना है, नहीं, उसमें भी प्रॉब्लम थी, ठीक है। हमारा घर कितने स्क्वायर फुट का था, मात्र 300 स्क्वायर फीट का हमारा घर था, और ये मेरे घर में बेसिक फैसिलिटीज नहीं थी। बेसिक फैसिलिटीज जैसे सबके घर में फैन, फ्रिज, गीजर, डाइनिंग टेबल, गैस, मतलब ये सारी चीजें बेसिक तो होती है, वो ये सब तो मेरे घर पे था ही नहीं। तो एयर कंडीशनर और कार की तो बात ही मत करो, ठीक है। अगर घर में पंखा नहीं है तो एयर कंडीशनर तो बहुत दूर की बात है, तो ये इधर पे बता रहे हैं, ठीक है। ये सब क्या होता है, डाइनिंग टेबल क्या होता है, गैस स्टोव क्या होता है, ये तो जब मैं कॉलेज गया तब जाके मुझे पता चला कि भाई डाइनिंग टेबल नाम की भी कोई चिड़िया होती है, वरना मैं तो पूरा आज तक मतलब मेरी कॉलेज लाइफ तक क्या करता था, जमीन में बैठ के ही खाया करता था, ठीक है। नेवर दी लेस कल्चरली आई हैड अ रिच चाइल्डहुड, मतलब फाइनेंशियल तौर पे तो मेरी जो हालत थी वो बहुत ही कमजोर थी, वीक थी, लेकिन कल्चर के तौर पे इन द सेंस वो जहाँ रहते थे वहां पे उनके घर में बहुत सारे बड़े बड़े कवि, म्यूजिशियन, ठीक है, पोएट्स आते थे और उनके डैडी से बातें करते थे। तो ये भी छोटे से बच्चे थे तो बैठ के सुनते रहते थे कि मेरे डैडी और ये सारे लोगों के बीच में क्या बातें हो रही है। तो बोल रहे हैं कि वो सारी चीजें मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज प्रोवाइड करी, इसलिए कल्चरली तो मैं बहुत ही अमीर मेरा बचपन रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वही सब लोगों के नाम लिखे हुए, ओके। ठीक है, तो यहाँ पे देखो विंदा, मंगेश पाडवकर एंड वसंत बापत, ये सारे लोग कौन है, ये सारे लोग पोएट है, ये सारे लोग पोएट थे, कवि थे जो मराठी एंड इंग्लिश में लिखा करते थे, ठीक है। ये लोग घंटों घंटों तक, यहाँ पे देखो सबकी मैंने फोटो डाली हुई है, बड़े बड़े कवि, ये विंदा विंदा सर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना, तो ये वही बता रहे, बहुत सारे लोगों का इधर पे नाम है, वो सब आपको याद नहीं करना है, ठीक है, टेंशन मत लो, तो बस देखना है क्योंकि एग्जाम में पैराग्राफ रहेगा। और भी फिर बहुत सारे अलग अलग लोगों का नाम दिया है कि ये सब तो पोएट थे, उसके बाद जो म्यूजिशियन थे जैसे पंडित कुमार, पंडित जसराज, पंडित भीमसेन, ये सब लोग भी हमारे घर पे आते थे। तो मेरा जो था बचपन बहुत ही कल्चरली रीच था, ठीक है। और वैसे तो देखा जाए तो मुझे ग्रामर की इतनी नॉलेज नहीं थी, पर मुझे म्यूजिक बहुत अच्छा लगता था, ठीक है, बहुत ही ट्रेमेंडियसली, मतलब हद से ज्यादा मुझे ये सारी चीजें बहुत पसंद थी, ओके। फिर यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि बचपन से मुझे ये चीज पता थी कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। क्या बोल रहे, देखो आई हैड लर्न फ्रॉम माई चाइल्डहुड दैट मनी डज नॉट मीन एवरीथिंग इन लाइफ। ये चीज मुझे बचपन से समझ में आ गई थी, क्योंकि मेरे घर में बेसिक फैसिलिटी नहीं थी, उसके बावजूद मेरे घर में जो भी लोग थे वो खुश रहते थे, अपने पास जितना है उसी में
मस्त अपना नीड्स पूरी करते थे, ग्रीडीनेस नहीं रखते थे और अपना बेस्ट देते थे अपनी लाइफ में, और खुश तो थे ही क्योंकि कल्चरली हम जो है अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे थे। म्यूजिक हो, पोयम हो, ये हो वो, तो हम एंजॉय तो मस्त कर रहे थे। तो मेरा ये बिलीव हमेशा से रहा है, मतलब वो अपनी बारे में बता रहे हैं कि मनी डज नॉट मीन एवरीथिंग इन लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मेरे लिए जिंदगी एनरिच, यानी मेरे लिए जिंदगी अमीर कब बनती है, जब हम कुछ इंजॉयमेंट वाली चीज करते हैं, जैसे कि आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर। हम जो है अपने आप को कोई चीज में ढालते हैं, सिर्फ पैसे के पीछे अगर हम भागते हैं और हमको कुछ नहीं आता, अगर हमारे अंदर कुछ स्किल नहीं है, तो फिर ऐसे पैसे का कुछ मतलब नहीं है, ऐसा ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, फिर वो बोल रहे हैं कि बचपन में मुझे साइंस और मैथ सब्जेक्ट बहुत ज्यादा पसंद था। आई यूज टू लव दिस सब्जेक्ट, साइंस एंड मैथ्स। मतलब वो ऐसा बोल रहे हैं कि मैं आर्ट्स, म्यूजिक, ये सब की इतनी तारीफ कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं साइंस और मैथ्स सब्जेक्ट से नफरत करता था। नहीं, मेरे को तो साइंस मैथ्स बहुत ज्यादा पसंद थे सब्जेक्ट। ठीक है, और हमेशा से स्कूल हो कॉलेज हो, मैंने कभी भी साइंस और मैथ सब्जेक्ट हाई मार्क्स लाने के लिए नहीं पढ़ा, कभी भी हाई मार्क्स लाने के लिए नहीं पढ़ा। मैं हमेशा ये सब्जेक्ट को इस तरीके से पढ़ता था कि मुझे कुछ नॉलेज मिल रही है और ये सारे सब्जेक्ट मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग खूबसूरती है, तो वो सब चीजें मैं जानने की कोशिश करता था। फिर यहाँ पे न्यूटन्स लॉ, मतलब एग्जाम्पल दे, न्यूटन्स लॉ कितना खूबसूरत, मतलब ब्यूटीफुल है ना। पाइथागोरस थ्योरम जो है कितना एलिगेंट है, तो वही एलिगेंट मतलब भी क्या होता है, बहुत अच्छी, खूबसूरत, प्यारी चीज। ठीक है, और फिर क्या बोल रहे हैं कि मैं जब 7th स्टैंडर्ड में था, मैं कोई बड़ाई नहीं मार रहा हूँ, आई एम नॉट शोइंग ऑफ, मैं अपनी बड़ाई नहीं मार रहा हूँ, बट मैं बताना चाहता हूँ कि मैं जब 7th स्टैंडर्ड में था, तो मैं 9th स्टैंडर्ड के सिलेबस का मैथ्स एंड फिजिक्स सब्जेक्ट का सम सॉल्व कर लेता था। मतलब मुझे इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी थी सब्जेक्ट्स में कि मैं बस सिलेबस के अंतर पे नहीं रहता था, मेरा सिलेबस पढ़ के खत्म हो जाता था तो मैं आगे क्लास का पढ़ने लग जाता था। ठीक है, वो ये सारी चीज बता रहे हैं, और यही चीज मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करी है क्या करने में, कोई भी सब्जेक्ट को गहराई में पढ़ने के लिए, ना कि सिलेबस तक सीमित रहने के लिए। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आई यूज टू लव प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड यूज टू इंजॉय फाइंडिंग आउट मोस्ट एलिगेंट मेथड ऑफ सॉल्विंग देम। ऑब्वियसली दिस प्रॉब्लम वेर नॉट अ पार्ट ऑफ करिकुलम बट एंजॉयड द होल प्रोसेस। तो ये बोले कि ये तो मेरे सिलेबस का पार्ट नहीं हुआ करता था, क्योंकि मैं तो 7th में था और 9th स्टैंडर्ड के सम सॉल्व कर रहा था, तो ये कोई मेरे सिलेबस का पार्ट नहीं था, करिकुलम मतलब। ठीक है, बट मुझे तो इतना मजा आता था ना कि मैं क्या ही बताऊं। ठीक है, और यही मेरा जो एटीट्यूड था, कौन सा एटीट्यूड, कि भाई सिलेबस तक सीमित नहीं रहना है, मुझे ये सब्जेक्ट में मास्टरी करनी है, ये मेरा एटीट्यूड ने मुझे बहुत सारे एग्जाम, IIT के एग्जाम, बड़े बड़े एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प किया, क्योंकि मैं एक कैसा बंदा बन गया था, मैं कैसा बंदा बन गया था जो प्रॉब्लम सॉल्विंग उसके अंदर एटीट्यूड है कि भाई कोई प्रॉब्लम है तो उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, उस पर मेरा दिमाग चलता था। ठीक है, इसलिए मैं क्या किया, मुझे जो है 12th स्टैंडर्ड तक तो मेरा ऐसा सिलसिला चला, 12th तक तो मेरा ऐसा सिलसिला चला। अब ग्रेजुएशन के लिए मुझे जाना था भाई IIT, इंजीनियरिंग करनी थी, इसलिए सबको पता है कि IIT जाना है तो भाई JEE देना पड़ेगा, तो मैं जो है JEE एग्जाम में बैठ गया, IIT एग्जाम में। ठीक है, अब मेरी वही सारी जो स्किल थी, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेरा जो एटीट्यूड था, उसने मुझे इस एग्जाम में पास करवा दिया, क्योंकि सारे क्वेश्चंस मैं धनाधन सॉल्व कर दिया, क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस मुझे अच्छे से आते थे। ठीक है, क्या बोले इन्होंने कि मैंने IIT का एंट्रेंस एग्जाम दिया और मैंने ये एग्जाम क्रैक कर लिया। ठीक है, और इनका एडमिशन कहाँ हो गया, IIT में, IIT में हो गया। ठीक है, केमिकल इंजीनियरिंग। फिर वो क्या बोल रहे हैं कि मैं जब 12th तक था, तो मुझे बचपन से लेके 12th तक, यानी 1st, 2nd, 10th, 12th क्या हुए थे, आई स्कोर्ड 100% मार्क्स इन ऑलमोस्ट ऑल द एग्जामिनेशन दैट आई अपियर फ्रॉम माय 1st स्टैंडर्ड अंटिल IIT। गौर से सुनो क्या बोल रहे हैं वो, ये बोल रहे हैं कि मैं ग्रेजुएशन तक जितने भी एग्जाम दिया मैथ्स के, मुझे उसमें 100 में से 100 मिले।
ठीक है, हाँ बस एक दो बार नहीं मिले होंगे, बैरिंग ओनली अ फ्यू टाइम्स एक दो बार नहीं मिले, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे 100 में से 100 मार्क्स मिले। मैं अपने 10th स्टैंडर्ड में यानी SSC के एग्जाम में, महाराष्ट्र में थे इसलिए SSC, मैं अपने महाराष्ट्र में जब 10th एग्जाम दिया था तो ओवरऑल मेरा 16th रैंक आया था महाराष्ट्र में। ठीक है, उसमें महाराष्ट्र में नागपुर भी इंक्लूडेड है, और मैं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था उस यूनिवर्सिटी में मेरा 1st रैंक था, यानी महाराष्ट्र में देखा जाए तो 16th रैंक, और मेरी कॉलेज में 1st रैंक मेरा आया था। दोज डेज यू कुड गेट एन एडमिशन इन टू IITs विदाउट द एंट्रेंस। यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि जो भी बच्चा अपनी यूनिवर्सिटी लेवल पर 1st रैंक लाया है उसको IIT के एंट्रेंस एग्जाम में बैठने की जरूरत नहीं है, उसका डायरेक्ट एडमिशन IIT में हो जाता है। बट दुर्भाग्यवश ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी, और ना ही मेरे आस पड़ोस में किसी ने बताया, मेरे घर वालों को भी नॉलेज नहीं थी, तो मैं तो IIT के एग्जाम में बैठा। अगर मुझे पता होता कि भाई तेरा 1st रैंक आया है, तेरा तो बिना एंट्रेंस एग्जाम में बैठे IIT में हो जाएगा, तो मैं बैठता नहीं, बट मुझे नहीं पता था इसलिए मैं IIT में बैठा। ठीक है, वैसे तो नहीं बैठना चाहिए था बट फिर भी बैठा, और मेरा IIT एंट्रेंस एग्जाम के बेस में मेरा एडमिशन हुआ। ठीक है, और फिर मेरा फाइनली मेरा एंट्रेंस एग्जाम भी क्लियर हो गया, और जो है मैं IIT में मेरा एडमिशन हो गया। मेरा जब IIT में एडमिशन हुआ तो मैं बहुत ज्यादा खुश था। ठीक है, लेकिन मेरी ये जो खुशी थी ज्यादा देर नहीं टिकी। मैं क्या बोल रही हूँ गौर से सुनो, ध्यान किधर है, पढ़ने में ध्यान है या कमेंट में ध्यान है? एक मिनट, ओके। यहां तक अब हम आ गए हैं, उन्होंने क्या बोले कि IIT तक की जो मेरी जर्नी थी एडमिशन लेने की, वो उसमें तो मैं बहुत खुश था, लेकिन मेरी ये जो खुशी है ये ज्यादा देर नहीं टिकी। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया जब वो IIT में गए? वो क्या बोले कि मैं जब, देखो पहले थोड़ा बता रहे हैं कि जब वो IIT गए, यानी IIT किधर पे था, सोलापुर, सॉरी वो जिधर रहते थे वो सोलापुर था, और वो किधर गए थे, IIT मुंबई में गए थे, रहते किधर थे, सोलापुर में। IIT में एडमिशन हुआ तो मुंबई चले गए, तो बोल रहे हैं मैं जब सोलापुर में था तो मैंने 3 फ्लोर की बिल्डिंग से ज्यादा फ्लोर की बिल्डिंग देखा ही नहीं था, मैक्स टू मैक्स 3 फ्लोर, 4th फ्लोर, बड़े बड़े टावर, स्काई स्क्रेपर्स तो मैंने लाइफ में, जिंदगी में पहली बार देखा मुंबई में आकर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे, मुंबई वॉज फुल ऑफ स्काई स्क्रेपर्स यानी कि बड़े बड़े टावर्स। ओके, और IIT में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यानी 99% ऑफ द स्टूडेंट्स और जो भी जितने भी प्रोफेसर थे, सारे के सारे लोग एक दूसरे से इंग्लिश में बात करते थे, और मेरी तो इंग्लिश बहुत ही पुअर थी, बहुत ही सड़ेली थी, क्योंकि मैं तो एक मराठी मीडियम का बच्चा हूँ, आई हैड एंटायर एजुकेशन मराठी। ठीक है, मेरी जो स्पोकन इंग्लिश है वो तो भाई एकदम वाहियात थी, पैथेटिक थी, मुझे तो वोकैबलरी भी नहीं आता था, वोकैबलरी तो दूर की बात है भाई, कोई चीज को प्रोनाउंस करने मुझे नहीं आता था, प्रोनाउंस करने नहीं आता है तो सोचो भाई मैं इंग्लिश के सेंटेंस मेरे मुंह से कैसे निकलेंगे। इसलिए मेरा ये जो वीकनेस थी, कौन सी वीकनेस, इंग्लिश बोलने की, ये क्या हो गई, ये जो है मेरे पे हावी हो गई, और IIT में मैं क्या हो गया, लोनली हो गया, लोनली हो गया, क्योंकि मैं किसी और से बात ही नहीं कर पाता था, सब लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं और मेरे को इंग्लिश नहीं आती है, अगर मैंने टूटी फूटी इंग्लिश बोला तो लोग मेरे को सुन के हंसेंगे। तो ये सब चीज को सोच के मेरे पे क्या आने लगा, इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, चैप्टर नंबर 5 जो मैबल को हुआ था है ना, वो इनको भी होने लगा, वो अपने आप को कम समझने लगे, वो पहले अपने आप को एकदम वैसा समझते थे कि भाई मेरे को तो मैथ्स में 100 मार्क्स मिले, मेरा तो एंट्रेंस में हो गया, भाई मैं तो एकदम मस्त इंसान हूँ, लेकिन जब वो इधर गए देखे तो भाई यहाँ पे तो मेरे से भी अच्छे अच्छे लोग हैं, तो इनको क्या होने लगा कि भाई मेरे से अच्छे अच्छे लोग हैं, मैं तो ऐसा हूँ ऐसा, सब उनको होने लगा इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स। और फिर उनके बाद वो क्या होने लगे पता है, वो सोचने लगे कि मैं जो है IIT छोड़ के अब जा रहा हूँ, मुंबई छोड़ के जा रहा हूँ, मैं सोलापुर में ही खुश था, मैं जो है सोलापुर में ही खुश था,
तो यही क्या हो गया उनको, इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया, वो अपने आप को अलग अलग रखने लगे और दूसरे लोग से दूर रहने लगे। ठीक है, फिर क्या हुआ, बोल रहे एक दिन जब मैं अपनी मेस टेबल में बैठा हुआ था, यानी कैंटीन के टेबल में बैठा हुआ था, चाय पी रहा था, तो एक सीनियर इंसान मेरे पास आया और वो मेरे को, उसको पता था कि मेरी इंग्लिश कमजोर है, उसके बावजूद वो मेरे से अलग अलग सवाल पूछ रहा था और मुझे बोल रहा था कि भाई इंग्लिश में जवाब दे, और उसकी इंग्लिश बहुत ही ज्यादा सोफेस्टिकेटेड थी, यानी बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही एडवांस थी, और वो लड़का जो था बहुत ही घमंडी था, वो मेरे पैर खींच रहा था, यानी कि वो मेरी खिल्ली उड़ा रहा था, मेरे को सता रहा था, मेरी इंग्लिश का मजाक उड़ा रहा था, मेरी लाइफ का मजाक उड़ा रहा था। ये कन्वर्सेशन बहुत चला और वो मेरे हर एक सेंटेंस में गलतियां निकाल रहा था कि तू भाई क्या बोल रहा है, क्या बोलना चाहता है। ठीक है, 5 मिनट ये हमारा कन्वर्सेशन चला और वो जो है मेरे उठ के चले गया, मेरे को बेइज्जत करके, वो लड़का मेरे को बेइज्जत करके चले गया। मैं जो है बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो गया, बहुत ज्यादा उदास हो गया कि मैं जो है, मेरे को इंग्लिश नहीं आती है और लोग इधर पे मुझे क्या कर रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं। मैं इसकी वजह से मैं डिप्रेस हो गया, मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, और ये मेरा कॉन्फिडेंस तो पहले से डाउन था, लेकिन ये जब इंसिडेंट हुआ तो इट वॉज अ लास्ट स्ट्रॉ, इट वॉज अ लास्ट स्ट्रॉ, मतलब जब हम कोई डिसीजन ले रहे होते हैं और कोई ऐसी घटना हो जाती है भी भाई, वो घटना की वजह से हम वो डिसीजन ले ही लेते, तो पहले ही राइटर सोच रहे थे कि भाई मैं मुंबई से जाने वाला हूँ, अब ये इंसिडेंट हुआ, ये लड़के ने इनको बेइज्जत किया, तो बोले अब तो भाई भाग रहा हूँ। ठीक है, ऐसा हो गया, तो बोले कि मैं टूट चुका था, बहुत रो रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, अकेला था इधर पे। ठीक है, लेकिन अचानक से मेरे दिल से आवाज आई, मेरे सेल्फ एस्टीम ने मुझे रोक दिया, अंदर से मतलब आवाज आई और उसने मुझे क्या किया, डिटर्मिनेशन दिया, पावर दिया, मतलब खुद ही दिल से आवाज आ रही थी, खुद ही मैं अपने आप को अचानक से बोलने लगा कि भाई तू जो है आईआईटी का एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करके इधर पे आया है, तू मराठी मीडियम का बच्चा होके एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर सकता है, तो ये जो छोटी सी चीज है इंग्लिश स्पीक करने की, ये तू नहीं सॉल्व कर सकता क्या, तू तो एक प्रॉब्लम सॉल्वर है, तेरे अंदर तो पहले से एटीट्यूड है कि कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन लाना है, तो अभी प्रॉब्लम क्या है, अभी प्रॉब्लम ये है कि तुझे इंग्लिश नहीं आती, तो इसका भी सोल्यूशन निकाल। ये सारी चीजें उनके दिमाग में आने लगी। ठीक है, और फिर वो जो उनके दिमाग में क्या था, उनके दिमाग में जो थॉट्स आ रहे थे ना कि मैं मुंबई छोड़ के भाग रहा हूँ, वो सारे थॉट्स गायब होने लगे, वो अपने आप को बोलने लगे कि मैं जो है स्कूल का टॉपर रह चुका हूँ, मैं आईआईटी में एंट्रेंस एग्जाम में आया हूँ, मुझे मैथ्स में इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं, कुछ तो मेरे अंदर अच्छी बात है ना, मैं इतना भी तो बुरा नहीं हूँ, मैं क्यों गिव अप करूँ, लोग जो है तरसते हैं आईआईटी में आने के लिए, और तू आईआईटी में आके छोड़ेगा, ऐसा थोड़ी होता है, वो भी इतनी सी चीज के लिए कि तुझे इंग्लिश नहीं आती, पागल है क्या, ये सब छोड़ और प्रॉब्लम सॉल्व कर, इंग्लिश को सीख ले, इंग्लिश को सीखने का जो सफर है वो शुरू कर दे, फिर देख सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ इंग्लिश की प्रॉब्लम है ना, बस सीख लेगा। ठीक है, तो ये सब सोचते सोचते वो क्या करे, हॉस्टल रूम में चढ़े, अपने हॉस्टल रूम में गए। ओके, और फिर वहां पे उनके दिमाग में अलग अलग प्लान्स आने लगे कि मैं अब जो है क्या कर सकता हूँ अपनी इंग्लिश को सुधारने के लिए। तो पहले तो प्रॉब्लम देखे कि भाई प्रॉब्लम किधर किधर है, तो बोले कि देखो मैं तो भाई वर्नैक्युलर मीडियम का हूँ, वर्नैक्युलर मतलब हम जो है मराठी में ही बोलते हैं, सोचते भी मराठी में है। ठीक है, जो इंसान बचपन से जो लैंग्वेज बोलते आया है, पढ़ते आया है, वो सोचता भी मराठी में है और बोलता भी मराठी में है ना, अगर आप हिंदी बोलते हो, एकदम बचपन से ही हिंदी बोलते हो, तो आपका थॉट्स, आप को दिमाग में जो सपने आते हैं रात में सोते वक्त, वो भी हिंदी में ही आते हैं ना, अब चीजों को इंग्लिश में करना है, अब चीजें जब मुंह से इंग्लिश कब निकलेगी, जब दिमाग में इंग्लिश रहेगी, है ना, तो बोले कि भाई अब मेरे को ऐसा, अब मैं जो है कभी भी इंग्लिश को ना ऐसा सोच के नहीं बोलूंगा, मतलब मैं इतना इंग्लिश में ढल जाऊंगा कि वो मेरे रग रग में बस जाए। ठीक है, मतलब ऐसा इतना एडवांस लेवल का इंग्लिश सीखने की कोशिश, मतलब ऐसा नहीं कि बेसिक आ जाए, बोले कि भाई मैं इंग्लिश सीखूंगा, वो भी इतनी एडवांस लेवल की इंग्लिश सीखूंगा कि लोग मुझे फॉरेनर समझेंगे, मतलब मैं कैसे इंग्लिश सीखूंगा, एक्सीलेंट एलिगेंट एंड फ्लुएंट, मुझे कोई नॉर्मल इंग्लिश नहीं सीखनी है, अब सीखने का सफर शुरू किया ही हूँ तो इतनी अच्छी इंग्लिश सीखने की कोशिश करूंगा कि फ्लुएंट बनूंगा, बाहर के देशों में जाऊंगा तो कोई बोल ही नहीं पाएगा कि ये जो है एक मराठी मीडियम का बच्चा है। ठीक है, तो उन्होंने यहां से ठान लिए, तो सबसे पहली चीज जो उन्होंने करे वो क्या किए, न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करे इंग्लिश मीडियम का, इंग्लिश मीडियम की नॉवेल्स पढ़ना स्टार्ट करे, और वो सारे न्यूज़पेपर में जो भी ऐसे वर्ड्स आते थे जो उनको समझ में नहीं आते थे कि भाई ये वर्ड्स है क्या,
इसका मतलब क्या है, वो सारी चीजों का वो डिक्शनरी में मीनिंग देखते थे, साथ ही साथ क्या देखते थे, उसका प्रोनाउंसिएशन देखते थे कि भाई ये वर्ड को प्रोनाउन कैसे करना है, क्योंकि बहुत हम जो इंग्लिश बोलते हैं इंडियंस, उनका प्रोनाउंसिएशन अलग होता है ना। अब यही इंग्लिश जो है फॉरेनर्स एकदम अलग बोलते हैं, तो वो कैसे इंग्लिश सीख रहे थे, थोड़ी फ्लुएंट, थोड़ी फॉरेनर टाइप, तो अपना प्रोनाउंसिएशन भी एकदम एडवांस लेवल का ही सीख रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने ऐसा करना स्टार्ट करे, मीनिंग के साथ साथ प्रोनाउंसिएशन भी सीखना स्टार्ट करे। अब सिर्फ और सिर्फ सीखना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको प्रैक्टिस में लाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए वो क्या करने लगे, मिरर के सामने खड़े हो जाते थे और घंटों घंटों तक, घंटों घंटों तक उन्होंने दिन में जो कुछ भी सीखे हैं वो बोलते रहते थे, बोलते रहते थे। उनको ऐसा लगता था कि भाई तुमने कुछ गलती किया है, तो खुद ही अपने आप को सही करते थे, और डे बाय डे उनको ऐसा लग रहा था कि मैं हर दिन कुछ नया सीख रहा हूँ, हर दिन मैं कुछ नया सीख रहा हूँ, और मेरा जो सीखने का सफर है ये अच्छा चल रहा है। ठीक है, ये स्टार्ट हुआ। उसके बाद बोले कि 9-10 महीने मैंने ये चीज कंटिन्यू रखा। लोग जो होते हैं 3-4 दिन करके थक जाते हैं, बट इन्होंने 9-10 महीना ये चीज क्या किए, कंटिन्यू रखे। अलग अलग वर्ड सीख रहे हैं, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन सीख रहे हैं, अलग अलग न्यूज़पेपर नॉवेल्स पढ़े जा रहे हैं 9-10 महीने। और 9-10 महीने बाद उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल था भाई साहब, वो यहां से यहां तक पहुंच गया, क्योंकि फाइनली उनके दिल से जो इंग्लिश बोलने का डर था वो खत्म हो गया। दिल में जो कॉन्फिडेंस की वाट लगी हुई थी वो भी चले गई, इंफेरियरिटी कॉम्प्लेक्स चले गया, क्योंकि जो चीज का डर था वो चीज खत्म हो चुकी है। इंग्लिश बोलने का डर था, अब इंग्लिश आ चुकी है बोलना 9-10 महीने के बाद। ठीक है, इन माई फ्यूचर आउट ऑफ 32 ईयर्स इन IT फील्ड आई वॉज ए चीफ एग्जीक्यूटिव और मैनेजिंग। यहाँ पे बोल रहे कि मैं बड़ी बड़ी कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव रह चुका हूँ, और ये 32 सालों में बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज घूम के आ चुका हूँ। अलग अलग कंट्रीज में जाते हैं तो प्रेजेंटेशन देने पड़ते हैं, लोगों से बातें करनी पड़ती है, बड़े बड़े कंपनी के डायरेक्टर्स लोग से कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ते हैं। और सोचो मैं इतने बड़े बड़े फॉरेनर लोग से पिछले 32 ईयर से क्या कर रहा हूँ, इंग्लिश में बातें कर रहा हूँ। और ये सारी चीजें बस इसलिए पॉसिबल हो पाई है क्योंकि वो 9-10 महीने मैंने दिल और जान लगाकर इंग्लिश सीख लिया। अगर मैं इंग्लिश नहीं सीखता 9-10 महीने जान लगाकर, तो ये जो मेरा कॉन्फिडेंस है बड़ी बड़ी कंपनियों के डायरेक्टर CEO से बात करने का, ये मुझे कभी आता ही नहीं, और मैं जो है बस बैठे रहता 4 दीवारी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे वो ये बोल रहे हैं। आई वॉज एब्सोल्यूटली एट एज एट दैट टाइम, इट इज ओनली ड्यू टू द एफर्ट एट IIT डाई कोर्स। देखिए वही बोल रहे हैं कि जो भी एफर्ट मैंने IIT में लगाया वही सारे एफर्ट मुझे पूरी जिंदगी भर उसका फल दे रहे थे। मैंने कितनी बड़ी बड़ी कंपनियों उसके साथ भाई $1 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हूँ। कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हूं मतलब कि इतना पैसा आप मुझे दो तो मैं आपका काम करके दूंगा, क्योंकि उनके अंदर स्किल है, वो एक केमिकल इंजीनियर रह चुके हैं। ठीक है, तो $1 मिलियन के उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिए। ठीक है, और फिर से देखो पीछे चले गए, वो क्या हो रहे कि IIT में तो मुझे अच्छे खासे मार्क्स मिले थे 2 साल में, देखो IIT स्टार्टिंग के 2 साल। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हैपन व्हाइल आई वाज थर्ड, जब मैं 3rd ईयर में था तो बहुत सारे 15-20 बच्चे मेरे कॉन्टेक्ट में आए, मतलब मेरे ही कलीग्स लोग, मेरे ही क्लासमेट्स लोग, जो कि अलग अलग IIT के, या जो अलग अलग फील्ड में अपना अपना पढ़ाई कर रहे थे। ऐसे कोई IIT का था, कोई TFIR का, हाँ जैसे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मतलब PhD सिंपल सी भाषा में, जो बच्चे लोग इंजीनियरिंग में PhD करते हैं। ठीक है, तो BARC दे इंक्लूडेड टॉप रैंकिंग स्टूडेंट फॉर IIT, जो भी बच्चे IIT में टॉप करते हैं उन लोगों को मौका दिया जाता है रिसर्च करने का। ठीक है, कितने सारे अमेरिकन प्रोफेसर्स, मैथमेटिशियंस लोग IIT में आते थे, उन सबसे मिलने का मुझे मौका मिलता था। इतनी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटियों के आगे पीछे रहकर, साथ में रहकर मेरा जो है पर्सनैलिटी में चेंज आया। मतलब वो बोलना चाहते हैं कि भाई देखो अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो आपकी भी जिंदगी चेंज होगी, आप सामने वाले को देखोगे कि भाई ये कितना मस्त इंसान है, इसकी पर्सनैलिटी कितनी अच्छी है, ये जो है मतलब कितनी मेहनत करता है, ये अपने फ्यूचर को लेके कितना सीरियस है, ये दिल और जान लगा रहा है। तो ये सारी चीजें देखकर वो भी क्या होते थे, अपने अंदर आग जलाते थे, और उन्होंने बहुत चीजें उनको हेल्प करी। ठीक है, मतलब वो बोल रहे कि ये जो मेरे दोस्त लोग थे, जो मेरा दोस्त लोग का ग्रुप बना था 10 से 15 लोगों का, इन्होंने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया, 10 से 15 नहीं सॉरी 15 से 20 बच्चों का जोड़ बना था। ठीक है,
वही बोल रहे हैं कि अब ये जो मेरे दोस्त थे 15 से 20 बच्चे लोग, ठीक है, स्टूडेंट्स लोग जो मेरे साथ पढ़ रहे थे, ये लोग एकदम ऐसे थे कि कभी भी सिर्फ ना मैं लोग को देखता था तो ऐसा नहीं कि भाई हम आईआईटी में है, आईआईटी का सिलेबस क्या है, सिर्फ वही पढ़ो, नहीं, ये लोग ऐसे थे कि भाई लोग साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स तीनों स्ट्रीम की बुक इन लोगों के पास हुआ करती थी। सोचो क्या बोल रहे हैं कि मेरे जो भी फ्रेंड्स थे इन लोग सिर्फ और सिर्फ आईआईटी में, तो भाई पता है इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट होते हैं, तो इसे वही सब्जेक्ट नहीं पढ़ते थे मेरे दोस्त लोग। इन लोगों के पास साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, फिलोसॉफी, एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ये सारी बुक्स होती थी और सारे लोग सारे सब्जेक्ट पढ़ते थे। तो ये चीज देख के मैं भी चौंकन्ना हो गया कि भाई एक आईआईटी का बच्चा सोशियोलॉजी क्यों पढ़ रहा है, एक आईआईटी का बच्चा इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहा है। तो मेरे को वहां से एक चीज पता चली कि कभी भी हम एक स्टूडेंट है तो अपने आप को सीमित मत रखो कि मैं जो है इस कैटेगरी का हूं तो मैं बस यही पढ़ते रहूंगा। नहीं, आप जो है, आपके पास टाइम है, आपको पता है कि ये जो भी बस मैं बैठा हूं टाइम पास कर रहा हूं, उससे अच्छा मैं कोई दूसरे सब्जेक्ट की नॉलेज ना ले लूं, क्योंकि वो सब चीजें इंटरकनेक्टेड ही होती है, सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो ये सब वो देखे और फिर उनका भी जज्बा शुरू हो गया, वो भी जो है अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। इनका भी तो पहले से सब्जेक्ट था ही आर्ट्स में, है ना, म्यूजिक, लिटरेचर, ये सब में तो इनका पहले से ही था, हमने देखे ना बचपन में, तो बोले कि मैं भी फिर पढ़ना स्टार्ट कर दिया और फिर ऐसा सब स्टार्ट हो गया, ठीक है। मतलब वो बोले कि मेरे दोस्त लोग ऐसे थे जो एनीथिंग अंडर द सन पढ़ने के लिए रेडी रहते थे, एनीथिंग, एनीथिंग अंडर द सन, मतलब क्या, सूरज के नीचे जितनी भी चीज है वो पढ़ने के लिए रेडी रहते थे। सूरज के नीचे तो भाई पूरी दुनिया है ना, तो वही बोल रहे कि भाई पूरी दुनिया पढ़ने के लिए लोग रेडी रहते थे, ठीक है। फिर यहाँ पे बोल रहे कि बहुत डीप इंटरेस्ट आया मुझे नॉलेज में, इसमें उसमें, ठीक है, मैं कभी भी मार्क्स के लिए स्टडी नहीं करता था, ठीक है, मेरे बहुत सी ऑफ नॉलेज, मतलब पूरा इधर पे वही सब बता रहे हैं अपने बारे में, ओके। फिर यहाँ पे अब देखो क्या बोल रहे हैं कि मेरे जो भी फ्रेंड्स थे और मैं था, अब इनकी इंग्लिश भी अच्छी हो चुकी है और हमको जो है एक अच्छा खासा नॉलेज भी है बाकी सारे सब्जेक्ट्स का, तो हम जो है आउट ऑफ इंडिया जाकर भी बड़ी बड़ी कंपनियों में अप्लाई करके जॉब ले सकते थे। बड़ी बड़ी कंपनीज में या कॉलेज में एडमिशन अगर आपको लेना है बाहर कंट्री में जाकर, तो आपको GRE नाम का एग्जाम देना पड़ता है, ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। और वहां पे US में जाके माइग्रेट हो जाते, हमारे लिए तो ये बाएं हाथ का खेल था, मेरे फ्रेंड लोग के लिए तो ये बाएं हाथ का खेल था कि हम जो है US, अमेरिका, लंदन में जाके शिफ्ट हो जाए, बट हमने ऐसा कभी नहीं किया। ये सब चीजें हमारे दिमाग में आई भी नहीं आईआईटी के दौरान, क्योंकि हमको जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए काम करना था, इंडिया के लोगों के लिए काम करना था, ठीक है। इसलिए कभी भी हमने इंडिया के बाहर जाके काम करने का नहीं सोचा, हमने जो भी काम किया इंडिया के अंदर किया, बट मतलब खुद के लिए करना है, खुद के लिए इन द सेंस जॉब पर्सपेक्टिव से, कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट लिए दूसरे कंट्री से, ऐसा है, मतलब परमानेंट शिफ्ट हो जाना, वहीं का हो जाना, वैसा हमने कभी नहीं किया, ओके। उसके बाद उन्होंने क्या बोले कि मैं जब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग के अलावा जब सोशल साइंस के सब्जेक्ट पढ़ रहा था, यानी सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट में जब पढ़ रहा था, साइकोलॉजी वगैरह, एंथ्रोपोलॉजी, सोशल साइंस जब मैं पढ़ रहा था, तब मुझे बहुत सारी न्यू चीजें पता चली कि भाई क्यूरियोसिटी, ह्यूमिलिटी, ह्यूमैनिटी एक इंसान की लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। क्यूरियोसिटी मतलब कोई भी चीज को करने का जज्बा, ह्यूमिलिटी मतलब हमेशा हम्बल रहना, ह्यूमैनिटी मतलब अपने आसपास के लोगों के साथ कभी भी बुरा बर्ताव नहीं करना, मतलब इंसानियत, ये सारी चीजों पे मुझे बहुत ज्यादा विश्वास होने लगा। मैं जो है एक रैशनल, रैशनलिज्म का बिलीवर बन गया। रैशनलिज्म मतलब क्या कि भाई ऐसा इंसान जो सही चीजों पर बिलीव करता है। रैशनलिज्म, रैशनलिस्ट हम किसको बोलते हैं, कोई ऐसा इंसान जो सही चीज पे बिलीव करता है। मतलब आज के जमाने में कितने लोग ऐसे हैं कि अपना कल्चर फॉलो करने के चक्कर में, या तो फिर अपना रिलीजन फॉलो करने के चक्कर में, या तो अपना ट्रेडिशन फॉलो करने के चक्कर में वो सारी चीजें भी कर देते हैं जो वास्तविक तौर पे गलत होती है,
बट वो लोग बोलते कि नहीं भाई ये तो हमारा ट्रेडिशन है, तो हमारे दादा परदादा करते आए हैं तो हम भी करेंगे। बट अगर उसको रियलिटी में देखा जाए तो वो सारी चीज करना गलत होती है ना। तो वो क्या बोले, मैं ये सबसे दूर यानी कल्चर रिलीजन ट्रेडिशन के ऊपर रैशनलिज्म को मानने लग गया कि भाई जो चीज सही है वही करूंगा, फिर वो मेरे धर्म में भी क्यों ना लिखी हो गलत बात, वो मैं उसको फॉलो नहीं करूंगा। ठीक है, और क्या चीज मैंने मानने लग गया, इक्वालिटी। इक्वालिटी सिर्फ और सिर्फ लड़का लड़की के उसमें नहीं, इक्वालिटी हर एक कास्ट क्रीज रेस यानी कलर और जेंडर सबके बीच में होना चाहिए, हर इंसान इक्वल होना चाहिए। ठीक है, आई स्टार्टेड ट्रीटिंग नेचर एज गॉड, और इसलिए मैं जो है थोड़ा सा धार्मिक तौर पे जो है एकदम मैं धार्मिक टाइप का इंसान नहीं हूँ, मैं जो है कैसे इंसान हूँ जो नेचर को यानी अपने ये जो धरती है उसको मैं अपना भगवान मानता हूँ और इंसानियत को अपना धर्म मानता हूँ। गौर से सुनो, ये सारी चीज को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिए कि मैं जो है नेचर को भगवान मानता हूँ और इंसानियत को अपना धर्म मानता हूँ। सोचो, यानी कि वो जो भी एक्चुअल रिलीजन जो भी उनका था वो उसको उतना फॉलो नहीं करते थे जितना वो इंसानियत और एनवायरनमेंट को मानते थे। ठीक है, फिर वो यहाँ पे वो ये सब बता रहे हैं क्या कि जब मैं IIT पास हो गया, मेरा सारा साल कंप्लीट हो गया, मैं वहां से ग्रेजुएशन डिग्री लेकर निकल गया, तो मैंने बहुत सारे मूवमेंट में पार्टिसिपेट भी किया। वो सारे मूवमेंट जो नेचर को सेव करने के लिए थे, अगर आपको पोएम नंबर आपकी 8 याद होगी जिसमें ममंग दाई भी क्या थी, एक ट्राइबल थी जो क्या बोल रही है कि भाई नेचर को कट मत करो, तो ट्राइबल लोग का जब भी मूवमेंट होता है वो यही चीज को लेकर होता है कि भाई वो बोलते कि नेचर मत काटो, ट्री पेड़ मत काटो, है ना। तो उसके लिए लोग मूवमेंट चलाते थे, तो वही बोल रहे कि मैं भी जो है ट्राइबल लोग के साथ बहुत सारे मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, सर्वोध्या में नाम था उस मूवमेंट का, सत्याग्रह में मैंने पार्टिसिपेट किया, ये सबकी वजह से मुझे 10 दिन जेल में भी रहना पड़ा और कभी कभी तो मैं एकदम जॉबलेस हो गया था, कभी कभी तो मैंने ऐसे भी काम किया कि भाई 125 रुपया महीना सुपरवाइज वर्कर करके मैंने नाइट शिफ्ट की जॉब भी किया हूँ मैकेनिकल वर्कशॉप में। ठीक है, मैंने अपने जिंदगी में टोटल 13 घर बदरा मुंबई में रहकर, यानी कभी यहाँ कभी वहां मुंबई में जब था मैं। ठीक है, और फाइनली फाइनली जब मेरा IIT के बेस पे जॉब लग गई तो मेरा करियर फाइनली सेटल्ड हो गया। ठीक है, मतलब प्रॉपर जॉब लग गई, अब जो है वहां से सैलरी आएगी, बस काम करना है, यहाँ वहां भटकना नहीं है। ठीक है, आज 32 साल हो चुके हैं काम करते करते, बहुत सारी कंपनियों के मैं ये रह चुका हूँ हेड, ये वो बता रहे हैं। ठीक है, मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनीज में भी मैंने काम किया हूँ, मल्टीनेशनल यानी कि आउट ऑफ इंटरनेशनल कंपनीज के लिए भी काम किया हूँ, बट मैं कभी उधर पे रहने के लिए नहीं गया कि भाई उधर का बन गया। ठीक है, मैं जो है क्या इधर पे देखो 3 बार यूरोप जा चुका हूँ, 6 बार अलग अलग सॉफ्टवेयर कंपनीज जा चुका हूँ इंटरनेशनल, 1 बार जापान, 1 बार ऑस्ट्रेलिया, आई हैड टू ट्रेवल ऑल अराउंड द गोवा 150 टाइम्स फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए भाई मैं 150 टाइम पूरे दुनिया की सैर कर चुका हूँ, और आज तक तो मैंने 4 बुक लिख दिया हूँ करीबन 500 से 700 पेजों की। ठीक है, और उसको बहुत बड़े पब्लिशर से भी पब्लिश भी करवाया। ठीक है, सारी चीजें बता रहे हैं, ये मेरी जो जर्नी रही सक्सेस की कि पहला पहले मेरा प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड था, फिर मेरा IIT में एडमिशन हुआ, वहां से इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स आने लगा, फिर मैंने जो है इंग्लिश को सुधारा, उसके बाद मेरा फाइनली जो है एडमिशन हो गया। ठीक है, उसके बाद अब क्या बोल रहे हैं, देखो बोल रहे कि ये जर्नी में मैंने बहुत सारी चीजें सीखा कि टीम वर्क कितना इंपॉर्टेंट होता है ना। कंपनी में जब आप काम करते हो तो आपको पता चलता है कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, आपको दूसरों की जरूरत होती है, कोई एक सक्सेसफुल काम करना है तो। ठीक है, तो यहाँ पे वो बोले कि कोई ईगोइस्टिक इंसान कभी भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। ईगोइस्टिक मतलब क्या कि वो बस अपने बारे में सोचेगा और दूसरे को बुरा बुला बोलेगा, तो कभी भी सामने वाला इंसान उसको सपोर्ट नहीं करेगा और एक टाइम आएगा कि वो बेचारे इंसान अकेला रह जाएगा, कोई उसकी मदद नहीं करेगा, सब उससे चिड़ेगा। ठीक है, तो ये इंसान कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, ये चीज मैंने सीखा। और हमेशा मैंने सीखा कि जब भी आप अपने कोई कंपनी के मालिक हो तो अपने से छोटे लोगों के सामने अपना क्या करो, एक रिस्पेक्ट और एग्जाम्पल बनाओ उन लोगों के साथ। ये सब नॉर्मल सी भाषा वो यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, मतलब बोल रहे कि मैं इतना भी परफेक्ट इंसान नहीं हूँ, मैंने अपने भी इतने तारीफ कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं परफेक्ट इंसान हूँ, बट
मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारी गलती किया हूं, ठीक है, बहुत सारी गलती किया हूं, यहाँ पे बोल रहे, ठीक है। फिर वो क्या बोले कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत काम किया, फिर फाइनली मुझे ऐसा लगा कि भाई पैसे तो अभी अपन ने बहुत कमा लिए। एक मोमेंट मेरी लाइफ में ऐसा आया कि मुझे ऐसा लगा कि भाई तूने बहुत काम कर लिया है, अब तेरे पास इतना पैसा है कि तू ये काम छोड़ सकता है और कुछ ऐसा कर जिसमें तुझे इंटरेस्ट है। और इसी को यही चीज को मद्देनजर रखते हुए मेरी जिंदगी की दूसरी, मेरा जिंदगी का दूसरा पहलू स्टार्ट हुआ, जहां पे मैंने लिखना शुरू किया। मैंने, मेरे को जो इतनी अच्छी मराठी आती थी वो है जो है मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ये सब बोलते हैं और फिर बोले कि मैंने मराठी में टोटल 34 बुक्स लिखा, जिसमें से बहुत सारी बुक बेस्ट सेलर भी बनी, थाउजेंड लोग ने उसको खरीदे, बहुत बहुत सक्सेसफुल। मुसाफिर, मन्नत, साइकोलॉजी, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट्स पे, सोचो मुसाफिर साइकोलॉजी बुक थी, सोचो मतलब एक आईआईटीशियन बच्चा साइकोलॉजी के ऊपर लिख रहा है, ठीक है। बिग बैंग के ऊपर उन्होंने लिखे, साइंस के लिखे किमया नगर, मैनेजमेंट के ऊपर लिखे बोर्ड रूम जो कि बिजनेस को सिखाता है, मैथ्स टॉपिक के ऊपर गणित बुक लिखे, म्यूजिक के ऊपर नाववेद लिखे, इंग्लिश के ऊपर ज़पूर्ज़ा लिखे, अरे भाई पेंटिंग को भी नहीं छोड़े, पेंटिंग के ऊपर कैनवास लिखे, वेस्टर्न फिल्म लाइमलाइट, वेस्टर्न म्यूजिक सिंफोनी, सोचो मतलब इतनी उनको नॉलेज है हर कैटेगरी की, साइंस हो, मैथ्स हो, सोशियोलॉजी हो, पेंटिंग हो, भाई इंडिया का कल्चर हो या वेस्टर्न कल्चर हो, सबके ऊपर उन्होंने 300, 500, 700 पेज की बुक लिख डाले। सोचो कितने नॉलेजेबल पर्सन है, कैसे बने, कैसे बने, बिकॉज ऑफ थर्स्ट फॉर नॉलेज, ज्ञान का भूखा रहे वो हमेशा से, इसलिए वो सीखते गए, कभी भी ज्ञान की प्यास को बुझाए नहीं कि मैं जो है एक 10वीं का बच्चा हूं, 12वीं का बच्चा हूं, तो मुझे तो बस इतना ही पढ़ना है, बाकी टाइम तो मैं है इंस्टा पे टाइम पास करूंगा, बाकी सारे टाइम जो है मैं जो है यूट्यूब की वीडियोस में टाइम पास करूंगा, प्रैंक वीडियोस, एंटरटेनमेंट वीडियोस, फिल्मों के साथ, फ्रेंड्स लोगों के साथ। नहीं, कभी उन्होंने ऐसा नहीं करा। जब भी फ्री टाइम मिलता था न्यू न्यू नॉलेज लेते जाओ लेते जाओ, ऑफ कोर्स फ्रेंड्स लोगों के साथ एंटरटेनमेंट तो हो ही जाता है, तो ये सारी चीजों, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, कोई चीज को जानने की क्षमता, ह्यूमैनिटी, इंसानियत, जब आपके अंदर इंसानियत होती है, आप किसी का भला करते हो तो सामने वाला आपको दुआ देता है और वो दुआ जो होती है बहुत हेल्प करती है। रैशनलिटी, अगर आप इंसान ऐसे हो जो सही चीज में बिलीव करते हो तो पता ही है रिस्पेक्ट ही करेंगे लोग। इक्वेलिटी, टीम वर्क, क्वेस्ट फॉर एक्सलेंस, मतलब सक्सेस आपको पाना है, इसका जुनून होना चाहिए। नेवर से डाई, मतलब कभी भी गिव अप नहीं करना है, जो भी आपने गोल बनाए हो अगर वो पहले रूट से, पहले प्लान से फॉलो नहीं हो रहा है तो प्लान बदल दो, प्लान बदल दो, प्लान बदल दो, गोल मत बदलो, वो गोल तक पहुंचने का प्लान बदल दो, लेकिन गोल चेंज मत करो कि भाई मैंने ये प्लान, मेरा जो है ये तरीके से इस गोल तक पहुंचने की कोशिश किया, नहीं हो पाया, चलो भाई अब मैं कुछ और करता हूं। नहीं, गोल चेंज मत करो, उसको पाने का तरीका चेंज करो, ठीक है। और हमेशा हमेशा कुछ बड़ा करने की सोचो, नॉर्मल जिंदगी मत जियो, कुछ अलग, कुछ हटके, कुछ बड़ा करने की सोचो, तो अगर ऐसा एटीट्यूड है तो इंसान जो है सफल बन सकता है और वो दुनिया की कोई भी सक्सेस पा सकता है, ठीक है। तो ये वो बताते हैं कि आप लोग मेरी स्टोरी से ये कंक्लूजन ले सकते हो कि मैं अपनी जिंदगी में इतना कुछ किया हूं, तो मैं अगर आपको एक सार बताना चाहूं कि भाई जिंदगी में सफलता के लिए क्या क्या चीज चाहिए होती है, अगर मैं अपनी जर्नी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, तो उन्होंने ये सारी चीजें बताए हैं, ठीक है। ये बोल के उन्होंने अपना चैप्टर समाप्त कर दिए, ऑटोबायोग्राफी समाप्त कर दिए, और फाइनली अगर हम ऐसा करेंगे तो हम क्या करेंगे, सक्सेस के रास्ते तक पहुंच जाएंगे। रास्ता बदलो, मंजिल नहीं, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ अपना आज का चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है।
इसका आंसर क्या है? राइटर के मुताबिक पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ह्यूमिलिटी या रैशनलिटी, पैशन फॉर सक्सेस, हार्डवर्क फॉर सक्सेस या परसिवरेंस? कौन बताएगा? यस मयूर, सी बोल रहे हो? बी स्नेहा. सो करेक्ट आंसर इज ए, बिकॉज यहां पे क्या क्या चीज रॉन्ग है. देखो पहले थीम याद करो. राइटर ने कहीं भी पैशन की बात नहीं करे है, ठीक है? पैशन वर्ड तो भाई आया ही नहीं, तो ये नहीं हो सकता. हार्ड वर्क टू स्टडी, पढ़ाई करने के लिए मेहनत करो. मेहनत उन्होंने कभी नहीं बोले, बोले पढ़ाई करने के लिए नॉलेज का प्यासा बनो, क्यूरियस बनो, थर्स्टी बनो, उन्होंने ऐसा बोले, ठीक है? तो ये भी नहीं. परसिवरेंस, हार्डवर्क, हार्डवर्क की भी बात नहीं कर. ह्यूमिलिटी एंड रैशनलिटी पढ़े ना, देखो इधर पे है ह्यूमिलिटी एंड रैशनलिटी, इधर पे लास्ट के बहुत सारे वर्ड्स है ना, उसमें से दो वर्ड है. देखो ह्यूमिलिटी एंड रैशनलिटी, ठीक है? तो बस समझ में आ गया होगा. इसके साथ आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं. आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा. हमने आपका चैप्टर नंबर 8 फाइनली कंप्लीट कर लिए हैं एंड बहुत जल्द हम क्या करने वाले हैं भाई, पेपर प्रेजेंटेशन करेंगे कि एग्जाम में कैसा लिखना है, क्योंकि एट द एंड आपको चीजों को लिख कर आना है यार. एट द एंड आपको चीजों को लिख कर आना है. यू हैव टू राइट व्हाट यू आर स्टडिंग सिंस होल ईयर, पूरे साल से आप जो पढ़ रहे हो वो चीज आपको लिख कर आनी है. तो प्लीज लिखना स्टार्ट करो. देखो इस चैप्टर में राइटर को क्या करना था, अचीव गोडबोले को इंग्लिश बोलना सीखना था. तो उन्होंने इंग्लिश लिखे नहीं, इंग्लिश को बोलने के लिए उन्होंने प्रैक्टिस के लिए भी बोलना स्टार्ट किए कि मिरर के सामने जाओ, बोलो बोलो बोलो, क्योंकि मुझे बोलना है. तो आप भी सोचो कि आपको आपके एग्जाम लिखना है. यू हैव टू राइट योर एग्जामिनेशन, राइट, बोर्ड का. तो आप जो है लिखने की प्रैक्टिस करो. जितने ज्यादा सैंपल पेपर आप सॉल्व कर सकते हो लगा दो दिल और जान लिखने में, क्योंकि प्रैक्टिस एक बार आपकी लिखने की हो गई ना तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत खतरनाक होगा. मतलब बच्चे पूरा साल यही कहते हैं कि भाई पढ़ते रहते बट उनको लिखते ही नहीं अच्छे से. तो प्रैक्टिस करो लिखने की प्रैक्टिस करो, ठीक है? सो यस, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ. बाय बाय एवरीवन. लाइक कर दो यार वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो. यस, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. ओके, मैम बोर्ड में ब्लैक पेन अलाउड है क्या? यस अलाउड है, अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है. आप जो है ब्लू या ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर सकते हो, इसके अलावा कोई दूसरी पेन का इस्तेमाल नहीं करना. जेल पेन प्लीज आई विल काइंडली रिक्वेस्ट कि आप जेल पेन को अवॉइड करो, मत लिखना जेल पेन से, बॉल पेन से ही लिखना. मैम मैं तो अभी आया हूं तो आपका स्वागत करूं, हार लाऊं? रिकॉर्डेड देख लेना. यस वाई वी ट्रेवल देखेंगे, क्योंकि मुझे लगता है इसका समरी करवा दूंगी पॉसिबिलिटी हुई तो, क्योंकि अभी अपन ने पूरा 100% तो ऑलमोस्ट किए ही है, मतलब पूरा तो करे, कोई भी चीज को छोड़े नहीं है. तो एक चीज तो आई थिंक स्किप कर ही सकते हैं ना. वन शॉर्ट सीरीज में 100% बॉल पेन अलाउड, ऑफकोर्स अलाउड है. ऑनलाइन टेस्ट, सारी नॉवल पढ़वा दी हूँ, नोट्स दे दी हूँ, उस चैनल पर अवेलेबल है. जेल पेन से हैंडराइटिंग अच्छी आती है बट स्पीड और उसका जो प्रेजेंटेशन लेवल होता है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है. मैम ब्लैक पेन से और आंसर ब्लू पेन, क्वेश्चन लिखो ही मत ना फायजा. आपको अपने आंसर शीट में क्वेश्चन नहीं लिखना है, ठीक है? आपका टाइम वेस्ट होता है. जब साफ साफ आपको दिया गया कि भाई देख क्वेश्चन अलग है, आंसर अलग है, आंसर शीट अलग है, तो आंसर शीट में बस आंसर होना चाहिए और क्वेश्चन नंबर होने चाहिए, ठीक है?
इंग्लिश इंपॉर्टेंट, इंग्लिश का इंपॉर्टेंट एज सच कुछ होता नहीं है, बस आप ये सीरीज को फॉलो करो जिस तरीके से, जिस स्क्रिप्ट वे में मैंने आपको इतने बड़े बड़े चैप्टर को मात्र 40-50 मिनट में पढ़ा के खत्म करी हूँ, वही इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब इतने बड़े चैप्टर में आपको कैसे पढ़ाना है, ठीक है, मतलब अगर देखना चाहे तो यही चैप्टर अगर मैं आपको पढ़ाना चाहूँ तो 3-4 दिन लग जाएंगे एक एक चीज को बताऊं तो, बट मैंने आपको क्रिप्स वे में पढ़ाई हूँ, इतने से इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाई हूँ, तो वही है कि हर चीज पढ़ो बट उसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट है वो पढ़ते रहो, ठीक है, तो वही है, सीरीज फॉलो करो। मेरा नाम लो मैम, श्रेयास बिरादर, क्या हो गया, नाम ली तो मैंने, क्या हो गया भाई बताओ, ठीक है, तो फिर यहीं पे सेशन समाप्त करते हैं, बहुत ही जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।